वृत्त चित्रों की दुनिया। वृत्त चित्र दर्शकों पर कई तरह से प्रभाव डालते हैं। मूलतः ये जानकारी देते हैं। ये जानकारियाँ विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं, कई तरह से प्रभावित कर सकती हैं। जैसे इनसे हमें विज्ञान की, दुनिया की और देश के विकास से जुड़ी गतिविधियों की जानकारी मिलती है। ये बिगड़ते पर्यावरण के प्रति सावधान करते हैं, वैश्विक गतिविधियों या समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाते हैं। समाज में ऐसे बहुत से अनजाने पक्ष हैं, जिन्हें ये वृत्तचित्र सामने लाते हैं। गलत रीति रिवाजों के विरुद्ध चेतना जगाते हैं। दर्शक के कानों में चुपके से ऐसा कुछ कह जाते हैं जो उनके जीवन को दूर तक प्रभावित कर सकता है। दुनिया में जहाँ से कथा फिल्मों का इतिहास शुरू होता है, वहीं से वृत्त चित्रों का इतिहास भी शुरू होता है। फ्रांस के लूमियर बंधुओं ने जो पहली चार फिल्में बनाई थीं, उनमें से अगर बगीचे में पानी देने वाले माली की फिल्म को कथा चित्र माने, तो फैक्ट्री से निकलते मजदूरों या प्लेटफॉर्म पर आती रेलगाड़ी की फिल्म को वृत्त चित्र की श्रेणी में रखना होगा। अलबत्ता तब इनका नामकरण वृत्त चित्र के रूप में नहीं हुआ था, उस समय इन्हें तथ्यात्मक फिल्में ही कहा जा सकता था। भारत में लूमियर बंधुओं की इन लघु फिल्मों का प्रदर्शन 7 जुलाई 1896 से होने लगा था। भारत में ही बनी लघु फिल्मों को पहली बार 1898 में दिखाया गया। ये फिल्में थीं लखनऊ का इमामबाड़ा, हमारा भारतीय साम्राज्य और बम्बई स्टेशन पर रेलगाड़ी का आगमन। ये तीनों भारत में किसी विषय पर बनी पहली तथ्यात्मक फिल्में कही जा सकती हैं। हाँ, इनका छायांकन एक अंग्रेज कैमरामैन ने किया था। भारत में तथ्यात्मक फिल्मों के जनक हरिश्चंद्र सखाराम भाटवड़ेकर थे, जिन्हें लोग सावे दादा के नाम से भी याद करते हैं। सावे दादा खुद एक अच्छे छायाकार थे, इसलिए फिल्म के कैमरे की तकनीक को सीखने में उन्हें ज्यादा दिक्कत नहीं हुई थी। उन्होंने सन 1899 में मुंबई के हैंगिंग गार्डन में उस जमाने के दो मशहूर पहलवानों पुंडलिक दादा और कृष्णा नावी के बीच हुई कुश्ती को फिल्माया था। इसके अलावा उन्होंने एक बंदर की उछल कूद पर भी छोटी फिल्म बनाई थी। इस तरह से दोनों पहली शुद्ध भारतीय फिल्में थीं। सावे दादा को ही भारत का पहला समाचार चित्र बनाने का श्रेय भी हासिल है। हालांकि तब वे नहीं जानते थे कि वे फिल्म की एक ऐसी विधा को जन्म दे रहे हैं जो जल्द ही नियमित रूप ले सकती है। तथ्यात्मक फिल्मों के फिल्मांकन में कई तरह के प्रयोग होते रहे। शुरू में महाराजाओं के विवाह के समारोह, दशहरे के त्योहार आदि पर इस तरह की फिल्में बनाई जाती थीं। फिर देश के विभिन्न भागों के लोगों के दैनंदिन जीवन को भी फिल्माया जाने लगा। भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहब फाल्के ने भी 1918 में एक तथ्यात्मक फिल्म फिल्म कैसे बनती है बनाई थी। वृत्त चित्रों के शुरुआती दौर यानी 1920 में बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु पर उनकी शव यात्रा और अंतिम संस्कार पर एक समाचार चित्र बना था। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के खुले अधिवेशन पर भी एक समाचार चित्र तैयार किया गया। इस तरह समाचार चित्रों का सिलसिला शुरू हो गया। एक समाचार चित्र में गांधी जी कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करते दिखाए गए। इस फिल्म की झलकियां हमें अक्सर गांधी जी पर या स्वाधीनता संग्राम पर बनी बाद की डॉक्यूमेंट्री फिल्मों में भी दिखाई देती रही है। इसी तरह टाटा के जल विद्युत संयंत्र के उद्घाटन के मौके पर भी एक फिल्म बनी थी। एक फिल्म सूर्य ग्रहण पर भी बनाई गई थी। उन दिनों होता यह था कि कैमरामैन जहां जो दृश्य देखते उन्हें फिल्मा लेते थे, बाद में कुछ खराब दृश्यों को निकालकर बाकी दृश्यों को जोड़ भर दिया जाता था। संपादन के जिस तरह के चमत्कार हमें आज देखने को मिलते हैं, उस जमाने में उनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। सन 1930 के दशक में क्वेटा, जो पाकिस्तान में है, में भूकंप आया था।
तब तक फिल्मों में ध्वनि का आगमन हो चुका था। बंबई की इंपीरियल फिल्म कंपनी ने इस पर एक वृत्त चित्र बनाया और उसके साथ विभिन्न दृश्यों के बारे में बताती कमेंट्री भी जोड़ी गई। इसके साथ ही लोगों से अपील भी की गई कि भूकंप से पीड़ित लोगों की मदद के लिए दान करें। इसके बाद नियमित रूप से वृत्त चित्र बनने लगे। इतना ही नहीं, भारतीय वृत्त चित्र विदेशों में भी नाम कमाने लगे। भास्कर राव द्वारा बनाए गए एक वृत्त चित्र को विदेश में पुरस्कृत भी किया गया था। 1948 में फिल्म प्रभाग फिल्म्स डिवीजन का गठन किया गया। इसके बाद वृत्त चित्रों के वितरण को एक आधार मिल गया। फिल्म प्रभाग को समाचार चित्रों और वृत्त चित्रों के निर्माण और वितरण का काम सौंपा गया। इसी दौरान फिल्म प्रभाग ने 5 भाषाओं अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला, तमिल और तेलुगु में फिल्में डब करना शुरू किया। अपनी स्थापना के पहले ही वर्ष 1949 से 50 में इसने 97 फिल्मों का निर्माण किया। आजादी के बाद वृत्त चित्र जन सूचना का सबसे बड़ा माध्यम बना। इसका प्रभाव अखबार से ज्यादा इसलिए होता था क्योंकि जो कुछ हो रहा है अखबार सिर्फ शब्दों में उसे बताता था, जबकि वृत्त चित्र उसे दर्शकों की आंखों के सामने घटता हुआ दिखाते थे। दर्शक जानता था कि जो कुछ वह देख रहा है कथा फिल्मों की तरह काल्पनिक या आयोजित नहीं है, बल्कि सचमुच घट रहा है। आज फिल्म प्रभाग देश का सबसे बड़ा वृत्त चित्र और समाचार चित्र निर्माता और वितरक है। इस समय उसके अभिलेखागार में वृत्त चित्रों, लघु और एनिमेशन फिल्मों के हजारों टाइटल मौजूद हैं। ये फिल्में सामाजिक, सांस्कृतिक महत्व के विषयों से लेकर महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाओं पर हैं। इनमें हमारे गौरवशाली अतीत की बहुत सारी यादें बंद हैं। फिल्म प्रभाग के पास वितरण के कई रास्ते हैं। इनके द्वारा तैयार किए गए वृत्त चित्रों को देश भर के सिनेमाघर दिखाते हैं। इन्हें राष्ट्रीय व स्थानीय टेलीविजन नेटवर्क पर प्रसारित किया जाता है। विदेश मंत्रालय विदेशों में मौजूद अपने कार्यालयों के लिए इन फिल्मों के प्रिंट भेजता है। ये फिल्में विदेशों के वीडियो और टीवी नेटवर्क पर प्रदर्शन के लिए भी भेजी जाती है। लेखक सुरेश उनियाल।